panchayat elections in Uttar Pradesh have just got over, and after that, in every village of Uttar Pradesh, the cases of corona are rising. Right now, I'm standing in Bagowali village of Muzaffarnagar, and you can see people are inside their homes. There is lockdown curfew, and you can see there is nobody in the streets of these villages because people are afraid. In last 1 week, almost 10 people died here in this village, and the symptoms are of COVID. Breathing issues, fever. Few were tested positive, but they could not make to the hospital because there were no oxygen supply. I have joined by Sharif. He lost his son-in-law 2 days back. He was COVID positive. Sharif, आपके दामाद का इंतकाल हुआ है, क्या नाम था उनका? उस्मान। कितनी उम्र थी? 45-50 की लगभग रही होगी। क्या हो गया था उनको? सांस लेने में दिक्कत हो रही थी? बस सर ये शुगर बढ़ रहा था। अच्छा। बस शुगर बस उसके सांस लेने में दिक्कत हो ही जा। हाँ। बस यार दिक्कत थी और कुछ नहीं। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी तो आप अस्पताल ले गए उनको ऑक्सीजन के लिए? हाँ। कहाँ कहाँ ले गए? मुजफ्फरनगर ले गए। हाँ। मुजफ्फरनगर से फिर रुड़की ले गए। हाँ। रुड़की दस अस्पतालों को फिर ले हो मंगलौर ले गए, फिर इनके बड़े भगवान पर मतलब कहीं अस्पताल में भर्ती नहीं हुए, ऑक्सीजन नहीं मिला? भाई एक दिन भर्ती रखा थे, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला था, फिर कहते थे दूसरी बार ले जाओ वहाँ मिल जाएगा। अच्छा। मेरठ वहाँ भी ले गए थे चौली कराट, वहाँ भी नहीं ऑक्सीजन पाया। चौली घंटे में ऋषिकेश तक ले गए थे आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिस्टर सुहेल रजा। सुहेल, आप इस गांव में रहते हैं, क्या हालात हैं इस वक्त? हालात बहुत डरावने, बहुत खौफनाक है गांव के। ऐसा लग रहा है मतलब कि मंजर ही कुछ अलग है, जैसा कब्रिस्तान में दफना करने के लिए जाते हैं एक मुर्दे को, तो सेकंड आने के बाद में कोई ना कोई खबर सुनने को मिल जाती है। अभी भी गांव में लोगों को बुखार या सांस की समस्या हो रही है? हाँ, अभी भी है बुखारों के फीवर, ये एक वायरल टाइप जो चल रहा है, हर घर में बुखार था। हर घर में बुखार है? हाँ, हर घर में। सोहेल इज टेलिंग दैट इन एवरी हाउस होल्ड समबडी इज इल, देयर इज फीवर, एंड व्हाट ही इज टेलिंग दैट गवर्नमेंट इज नॉट हियर, they are not being tested. If somebody is sick, they are not getting oxygen, and apart from that, there are no oximeters. And these villagers are not that educated as well, they can go and buy oximeters, and they have general prescription of doctors. But as of now, situation is grim in these villages. In every village, if you move around in Meerut, Muzaffarnagar, Baghpat, you will come to know that people are dying mysteriously.